केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों पर हरियाणा की सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने किसान कांग्रेस के साथ मिलकर हमीरपुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया व जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान युवा कांग्रेस ने किसान कांग्रेस के साथ मिलकर उपायुक्त देवाश्वेता बनिक के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से युवा कांग्रेस ने किसानों के साथ हुए इन अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा की व इस पर न्यायिक जांच करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष अश्विनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों पर हरियाणा की सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने किसान कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस रणनीति बना रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर रोके गए किसानों के साथ मिलकर वे भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला से 1000 के लगभग युवा दिल्ली में जाएंगे और प्रदर्शन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा की सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वे राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। देश है जिसमें कि 80% आबादी जो है कृषि है, किसान है, जिसमें कि जो मोदी सरकार ने काला कानून लाया हुआ है अदानी और अंबानी की रहनुमाई में, तो उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और आज हमने युवा कांग्रेस जो है किसान कांग्रेस के साथ मिलकर हमने प्रदर्शन किया, डीसी साहब को विज्ञापन दिया गवर्नर जी को के माध्यम जिसे डीसी साहब के माध्यम से, और हम उनका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। आगे हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, युवा कांग्रेस हमीरपुर जो है रणनीति बना रही है। हम जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान रोके हुए हैं उनके साथ हम भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। यहाँ से 1000 के करीब युवा अपना दिल्ली बॉर्डर पर जाएगा, और जो दिल्ली सरकार ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया हुआ है उसका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो भी उन पे भी कार्रवाई की जाए, जिन किसानों के ऊपर जो हमारा अन्नदाता है उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले फेंके और पानी के बौछार की। यूथ कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष अश्विनी ने हमीरपुर जिला के व्यापार मंडल व कारोबारियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे किसानों के समर्थन में एक दिन भारत बंद में अपना सहयोग दें। एक अपना जो अपना व्यापार मंडल है और जो जितने भी हमारे कारोबारी हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे अपना जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें समर्थन दें। जो एक हमारा अन्नदाता है जिसकी वजह से हम खाना खा रहे हैं, हर एक खाद्य पदार्थ जो अपना जो किसान है वो उगता है तभी हम खाते हैं, तो इसलिए सभी अपने कारोबार भाइयों से हमारा निवेदन है युवा कांग्रेस हमीरपुर की तरफ से कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें।